हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार आईटीआई के ऐसे स्टूडेंट जो थर्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे थे कि कब से थर्ड काउंसलिंग होगा जो ऑफलाइन होगा, तो आपको पता होगा इसके लिए नोटिफिकेशन बीसीईसी ने जारी कर दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि कहाँ जाके काउंसलिंग कराना है क्योंकि ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, और कहाँ जाके आपको एडमिशन कराना है। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा से जुड़े हुए हैं, जो एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा से बिहार आईटीआई का क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे और आईटीआई में सफल हुए थे, और वो लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर एक वीडियो ला दीजिए। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे कहाँ जाके आपको काउंसलिंग कराना है, कब कब कराना है, और किसका किसका एलिजिबल है इस काउंसलिंग के लिए, कौन कौन करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आपको पता होगा आप लोगों को कहां जाना है, आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14, यहीं पे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बीसीसी का ऑफिस है। यहीं पे आपको 23 तारीख से ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। अब इसमें देखिए, इसमें रोल नंबर वाइज दिया हुआ है, जैसे जो लोग को पटना में मिला हुआ है कॉलेज उन लोग का रोल वाइज दिया है। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू देख सकते हैं, 23/11/2019 10 AM। कैटेगरी आपको दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये पटना का है। ऐसे ही आपका सबका अलग अलग डेट दिया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट का आईटीआई कॉलेज का अलग अलग डेट दिया हुआ है, लेकिन सबका वही होगा, बीसीईसी के कार्यालय में ही होगा, चाहे वो पटना का हो, भोजपुर का हो, बक्सर का हो, औरंगाबाद का हो, बिहार के कोई भी ज़िले में। अगर आपको आईटीआई में थर्ड काउंसलिंग के लिए जो आप लोगों ने विलिंगनेस डाउनलोड किया था, उसके बाद आपका जो ये मेरिट आया हुआ है उससे आपको कहीं नहीं जाना है, बीसीईसी के ऑफिस ही जाना है सभी को, लेकिन सबका अलग अलग डेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख भी लिए होंगे। अब इसमें मैं ये डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। 23 तारीख से ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो 23 को सबको नहीं चल जाना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ को आप अपना रोल नंबर देख लीजिए, किस जिला के आपको आईटीआई में डाले थे और किस जिला का आपको आईटीआई मिला है, उसी के आधार पे आपको डेट्स और समय देख के जाना है बीसीईसी के कार्यालय पटना, जो आईएएस भवन पटना हवाई अड्डा के निकट है। अब चलिए आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। 10 डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं सभी डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 1/12/2019 10 AM, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट के जो आईटीआई कॉलेज अलॉट हुआ है सबका जो जो रोल नंबर आया हुआ है थर्ड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, वो लोग करा सकते हैं। आप देख सकते हैं 23 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका 1 दिसंबर तक चलेगा आपका ऑफलाइन काउंसलिंग आईटीआई में नामांकन के लिए। अब आपके माइंड में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मतलब आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड लगेगा। उसके बाद आपका मैट्रिक का अंक पत्र, मतलब मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपका मूल प्रमाण पत्र लगेगा मैट्रिक का, मतलब जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो लगेगा। जो लोग के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसे 1 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद आप लोग को मेन सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो सर्टिफिकेट आपको मिल गया होगा तो आप लोग वो जमा कीजिएगा। जो इस बार मैट्रिक पास किए हैं वो लोग प्रोविजनल अपना जमा कीजिएगा, क्योंकि 1 साल बाद सभी स्कूल में मेन सर्टिफिकेट भी आ जाता है, क्योंकि प्रोविजनल का मतलब ही होता है कि 1 साल तक ये वैलिड रहता है। आगे आपका लगेगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2019 का मूल प्रवेश पत्र, मतलब आईटीआई का जो एडमिट कार्ड था, जो आप लोग एग्जाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड लगेगा, तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां, मतलब जो आप एडमिट कार्ड आईटीआई का था उस आईटीआई का एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, और जो फोटो उसमें लगा है वही 6 फोटो आपको लेके जाना है। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा चीज क्या लगेगा आप लोग का। तीसरा आपका लगेगा मूल जाति प्रमाण पत्र, चौथा आपका लगेगा मूल आवासीय प्रमाण पत्र, पांचवा आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पूछ रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र जो एसपी ऑफिस से बनता है वो लगेगा, तो नहीं, ये आपको 10th में कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल में मिलता है, वो वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब स्कूल से बनाया हुआ कैरेक्टर आपका लगने वाला है। छठा में है आपका विवरण पुस्तिका की पृष्ठ 1 व 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, यथा भूतपूर्व सैनिक SMQ हेतु भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र आदि लगेगा। मतलब ये आपके लिए नहीं है, ये अगर आपके
कोई गार्जियन भूतपूर्व सैनिक है उसका कोटा के तहत आप लोग फॉर्म भरे हैं उनके लिए है, वो लोग के लिए पूरा डिटेल्स लेके जाना होगा। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका लगेगा आईटीआई कैट 2019 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन। जो लोग आप लोग ऑनलाइन आवेदन पार्ट ए पार्ट बी भरे थे, जो शुरू में ही एग्जाम होने से पहले आईटीआई का फॉर्म भरे थे उसमें आप लोग जो भरे थे उसका पार्ट ए पार्ट बी मतलब जो फॉर्म था अप्लीकेशन नंबर के साथ आपको पूरा मिला होगा डिटेल्स में जो फॉर्म भरे होंगे उसका हार्ड कॉपी लगेगा। उसके बाद आपका रैंक कार्ड लगेगा। क्या लगेगा? रैंक कार्ड। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा ये है द वेरिफिकेशन स्लिप, जांच पर्ती 2 copies डाउनलोडेड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 copy। मतलब जो आप लोग विलिंगनेस डाउनलोड किए थे उसका मैंने कहा था आपको कि इसका आप लोग डाउनलोड करके कॉपी निकलवा लीजिएगा, ये भी लगेगा। तो यही आपका वेरिफिकेशन स्लिप है जो विलिंगनेस आप लोग डाउनलोड किए थे। उसके बाद लास्ट में आपका कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगा। साक्षात्कार के समय साथ लाना अनिवार्य है, मतलब आप लोग इसका कॉपी भी करा लीजिएगा और साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड भी लाइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है जो जो डॉक्यूमेंट है उसका 2 xerox करा लीजिएगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, क्योंकि देखिए xerox तो लोग रखता है साथ में ओरिजिनल देखता है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जरूर लेके जाइएगा जिससे आपका, क्योंकि देखिए उसी दिन आपको कराना है उसके बाद आपका डेट निकलेगा नहीं, तो मान लीजिए आप लोग नहीं लेके जाइएगा और घर जाना पड़ेगा उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने आपको इंश्योर कर दिया ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।